शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम टू स्टार्ट विद द सेरेबलम वी हैव टू लुक एट इट्स फंक्शन फर्स्ट इट्स फंक्शन आर बैलेंस टोन एंड कोऑर्डिनेशन बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय इट्स वन ऑफ इट्स लोब नोन एज फ्लोकोनोड्यूलर लोब फ्लोकोनोड्यूलर लोब इज द मोस्ट प्रिमिटिव लोब एंड दिस इज रिलेटेड टू द बैलेंस देन कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट एडवांस्ड फंक्शन ऑफ सेरेबलम That is controlled by the middle lobe. This is controlled by the floconodular lobe. This is controlled by the middle lobe. This is cerebellum pathway. Dentate nucleus is involved. And here vestigial nucleus is involved. F for floconodular lobe and F for vestigial nucleus. Middle lobe, dentate nucleus and then tone. Tone is controlled by the anterior lobe. Second to develop, it is spinocerebellar. It is controlled by globose and emboliform nucleus and anterior lobe. Then we go with the lobes of the cerebellum. There are two halves of cerebellum connected with the vermis in the center. The cerebellum has two lobes, anterior and middle. Middle is also called as posterior lobe. Anterior lobe is separated from the posterior lobe or middle lobe by V-shaped primary fissure and then there is a horizontal fissure that divides the cerebellum into the superior and the inferior surface. The floconodular lobe is separated by the superior surface by uvulonodular fissure. This fissure is known as uvulonodular fissure and this lobe is known as floconodular lobe. This is related to balance. Anterior is related to tone and the middle or posterior is related to the coordination. Then we have the white matter of the cerebral cortex. White matter of the cerebral cortex is known as arbor vitae. Then cerebral cortex contain white matter which is known as arbor vitae. This white color in the foliage of the gray matter is known as white matter. Then there are three layers of cerebellar cortex, molecular layer, Purkinje cell layer and then granular layer. Molecular cell layer contains basket cells and stellate cells. Stellate cell are star shaped cell and basket cell have dendrites like the basket that captures. Then there is second layer which is Purkinje cell के जो हमारे पास dendrites हैं ना वो हमारे पास molecular layer के अंदर perforated हैं और हमारे पास जिसका axon है ना वो deep intracellular nucleus के अंदर हमारे पास आ जाता है. उसके बाद हमारे पास है granular layer में हमारे पास Golgi type 1 cells हैं जिनके dendron और axons पूरी जगह फैले हुए हैं सारी layers में. और एक हमारे पास है granular cell जो कि हमारे पास जिनका एक डेंड्राइट जो है वो ऊपर जाके मॉलिक्यूलर लेयर में हमारे पास टी सेल टी जंक्शन बनाता है जहाँ पे हमारे पास Purkinje सेल के जो ये गॉल्जी टाइप सेल और Purkinje सेल है वहाँ पे न्यूरॉन आके उनसे साइनैप्स कर लेते हैं. इसको पैरेलल फाइबर अरेंजमेंट कहते हैं. और इनका जो एग्जॉन होता है वो हमारे पास डीप न्यूक्लियर में चला जाता है कॉर्टेक्स में वाइट मैटर में चला जाता है और उसको हम कहते हैं मॉसी फाइबर. ये हमारे पास मनकलस है सेरेबिलम के ऊपर जो हमारे पास वर्मिस वाला एरिया वो हमारे पास एक्सियल पार्ट को कंट्रोल करता है. और जो हमारे पास लेटरल जोन है वो हमारे पास इंटरमीडिएट जो जोन है वो हमारे पास लिम्स वगैरह को कंट्रोल करता है अपर और लोअर लिम को. और जो हमारे पास लेटरल पार्ट है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन और सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट बनवाता है. उसके बाद ये हमारे पास इंट्रा सेरेब्रल न्यूक्लिया जो कि चार होते हैं. इनका याद करने का है डॉक्टर ईट गुड फूड डी फॉर डेंटेट ई फॉर इम्बोलीफॉर्म जी फॉर ग्लोबोस एंड एफ फॉर फेस्टिजियल. डेंटेट इम्बोलीफॉर्म ग्लोबोस और फेस्टिजियल यही न्यूक्लियस हमारे पास रिलेटेड थे पीछे फंक्शंस में. फेस्टिजियल जो था वो फ्लोकोनोड्यूलर लोब के साथ बैलेंस में था. ग्लोबोस और इम्बोलीफॉर्म जो है वो इंटीरियर लोब के साथ हमारे पास टोन में थे. और डेंटेट जो था वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन में था. आर्बर वेटाइस का वाइट मैटर है. इसके इंट्रिंसिक फाइबर्स हैं जो कि सेरेब्रम को लीव नहीं करेंगे. एफरेंट फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास दूसरी जगह से सेरेब्रम में आएंगे थ्रू इन्फीरियर और मिडल सेरेब्रल पेडंकल. और एफरेंट्स हैं जो कि हमारे पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से लीव करके जाएंगे किसी भी और जगह पे. कॉर्टिकल मैकेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं. इसमें क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं. क्लाइंबिंग फाइबर जो है वो हमारे पास Purkinje फाइबर से बने हुए होते हैं. मॉसी फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास
गॉल्जी टाइप 1 वगैरह से बने होते हैं, इसमें इनहिबिटरी न्यूरॉन भी होते हैं, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, ये हमने आगे जाके पढ़ना है। इसमें गाबा है जो कि एक्साइटेटरी है, ग्लूटामेट इसके पास होता है, और हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन, ये भी एक्साइटेटरी है। इसके अलावा हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन इनहिबिटरी है, सेरोटोनिन भी इनहिबिटरी है, डोपामिन। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेरेब्रल एफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे में पहला है कॉर्टिको पोंटो सेरेब्रलर, यहाँ पे हमारे पास कॉर्टेक्स ऑफ फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल लोब से अराइज करेंगे फाइबर, इंटरनल कैप्सूल से पास करेंगे कॉर्नर रेडिएटा से, और ये हमारे पास जाएंगे पॉन्स से गुजर के ये हमारे पास चले जाएंगे मेडल पॉन्स में, ये पॉन्टाइन न्यूक्लियस में जाएंगे, पॉन्टाइन न्यूक्लियस से फिर ट्रांसवर्स फाइबर जो है वो हमारे पास अपोजिट साइड के मिडल सेरेब्रल पेडंकल को क्रॉस करते हुए अपोजिट साइड के सेरेब्रलर कॉर्टेक्स पे चले जाएंगे। दोबारा से कॉर्टेक्स से अराइज करेंगे, इंटरनल कैप्सूल और कॉर्नर रेडिएटा से पास करेंगे, यहाँ से ये पॉन्स में आएगा, पॉन्स में पॉन्टाइन न्यूक्लियस के दरमियान में, वहाँ से ट्रांसवर्स फाइबर इधर को जा रहे थे वो मिडल सेरेब्रल पेडंकल से अपोजिट साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। दूसरा पाथवे हमारे पास सेरेब्रो ओलिवरी पाथवे, ये जो तीसरे वाली लाइन है, यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स अराइज करेंगे, इंटरनल कैप्सूल कॉर्नर रेडिएटर से पास करते हुए ये जाएंगे ओलिवरी न्यूक्लियस पे, ओलिवरी न्यूक्लियस से ये फाइबर्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज करेंगे और इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल से दूसरी साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास हैं कॉर्टिको रेटिकुलर सेरेब्रल पाथवे, कॉर्टेक्स से राइज करेंगे, रेटिकुलर फॉर्मेशन में आएंगे, रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पास पॉन्स और मेडला में है, वहाँ पे आएंगे, वहाँ से हमारे पास हैं सेम साइड के मेडला में भी जाएंगे और अपोजिट साइड में भी जाएंगे। ये हमारे पास तीन पाथवे का हो गए, कौन से, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेब्रलर, कॉर्टिको रेटिकुलर सेरेब्रलर और कॉर्टिको ओलिगो सेरेब्रलर। जो कॉर्टिको ओलिगो सेरेब्रलर वाले हैं ना वो हमारे पास मोस्टली फाइबर्स बनाते हैं। इसके बाद कुछ आ रहे हैं हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड्स, स्पाइनल कॉर्ड्स में से मैं हमारे पास आ रहे हैं एंटीरियर स्पाइनल सेरेब्रलर और पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेब्रलर, ये दोनों जो हैं ये क्लार्क्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डॉर्सेलिस से अराइज करते हैं। एंटीरियर वाले की पहले बात करते हैं, ये हमारे पास वहाँ से अराइज करेंगे, अपोजिट साइड पर क्रॉस करेंगे, फिर ये हमारे पास जाएंगे अपवर्ड जाएंगे सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे, वहाँ से फिर मिडल सेरेब्रल से होते हुए वापस दूसरी साइड पे क्रॉस करके सेम साइड पे आ जाएंगे, यानी कि जिस साइड से आए थे वहीं उसी साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे। उसके बाद पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेब्रल वो भी हमारे पास क्लार्क न्यूक्लियस से राइज करेंगे, असेंड करेंगे अपवर्ड, और फिर ये हमारे पास जो है ऊपर जाते हुए सेम साइड के सेरेब्रलर हेमिस्फीयर में एंटर कर जाएंगे। कॉर्टिको पोंटो सेरेब्रल जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आएगा, ये तीनों सेरेब्रम से आएंगे, सेरेब्रो पोंटो सेरेब्रलर, ओलिवो सेरेब्रलर और रेटिकुलर सेरेब्रलर, ये तीनों जो हैं सेरेब्रम से मैसेज लेके जा रहे हैं और कंट्रोल भी इनका वहीं पे, और ये तीनों हमारे पास जो हैं फ्रंटल पैराइटल लोब से, और ये जो तीसरे वाला है रेटिकुलर वाला ये सेंसरी मोटर एरिया से, इनकी डेस्टिनेशन क्या है, ये पोंटो था तो पोंटाइन न्यूक्लियस से वापस जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, ये ओलिवरी न्यूक्लियस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा वाया क्लाइंबिंग फाइबर, और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेब्रलर, ये हमारे पास जो है मसल जॉइंट से इन्फॉर्मेशन लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करेंगे और हमारे पास वहाँ से ओरिजिनेट करके तो ये वाया मॉसी फाइबर्स जो हैं सेरेब्रलर कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्यूनियो सेरेब्रलर है, क्यूनियो सेरेब्रलर जो है वो हमारे पास मसल जॉइंट से लेगा, वहाँ से ट्रैवल करेगा, और वाया मॉसी फाइबर जो है वो भी हमारे पास क्यूनियट न्यूक्लियस मेडला में था वहाँ से अराइज करेगा, और हमारे पास मॉसी फाइबर में सेरेब्रल पेडंकल में चले जाएगा। वेस्टिबुलर नर्व के जरिए हमारे पास कौन से हैं, ये वो हैं जो हेड की मूवमेंट और पोजीशन को सेंस करेंगे, क्योंकि हेड जो है वो बैलेंस वगैरह मेंटेन करना है तो वैसे होगा। यूट्रिकल सेक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल ये सारे बैलेंस के ऑर्गन हैं इनर ईयर में, और ये मॉसी फाइबर से फ्लॉकोनोड्यूलर लोब में जाएंगे क्योंकि फ्लॉकोनोड्यूलर लोब बैलेंस से रिलेटेड है। उसके बाद अदर इंफ्रेंट्स कहाँ से आएंगे, मिड ब्रेन से या रेड न्यूक्लियस और टेक्टम से, उसको रूब्रो पाथ है कहेंगे या फिर टेक्टो पाथ है कहेंगे, टेक्टो सेरेब्रल और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आ जाएंगे। इसके बाद है इसके इफ्रेंट्स, एक है हमारे पास ग्लोबोस एम्बोलीफॉर्म रूब्रल पाथ है, ग्लोबोस और एम्बोलीफॉर्म से हमारे पास रेड न्यूक्लियस में जाएंगे और वहाँ से हमारे पास सिग्नल हो जाएंगे, ये ग्लोबोस एम्बोलीफॉर्म पाथ हो गया। उसके बाद हमारे पास है डेंटोथैलेमिक डेंटेट न्यूक्लियस से थैलेमस में जाएंगे और वहाँ से हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे थ्रू इंटरनल कैप्सूल पास करते हुए, और वहाँ से हमारे पास वापस आके सेम, और ये मज़े की बात यह है कि ये सेम साइड पे हमारे पास कंट्रोल है इनका, ये जिस साइड से निकलेंगे उसी साइड पर कहीं ना कहीं क्रॉस करके वापस उसी साइड पे आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये देखे ना, अब ये जो था ग्लोबोस एम्बोलीफॉर्म ये रेड न्यूक्लियस वापस क्रॉस किया और सेम साइड पे आ गया वापस। इसके बाद हमारे पास है
वेस्टिजियल वेस्टिबुलर, ये हमारे पास वेस्टिजियल न्यूक्लियस से अराइज करेगा, वेस्टिबुलर पाथवे को फॉलो करते हुए हमारे पास फिर से सेम साइड पे आ जाएगा और वेस्टिजियल रेटिकुलर रेटिकुलर फॉर्मेशन। चेगलोबोस एम्बोलीफॉर्म वाला कहाँ से, हमारे पास इप्सिल, सबसे पहले बात तो ये कि सारे इप्सिलेटरल मसल को कंट्रोल करें, इप्सिलेटरल मोटर एक्टिविटी, इप्सिलेटरल मोटर एक्टिविटी, इप्सिलेटरल एक्सटेंसर मसल, इप्सिलेटरल मसल टोन, वेस्टिजियल वाला मसल टोन को कंट्रोल करें, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजन, ये ओरिजन लिखा हुआ है सामने, ग्लोबोस एम्बोलीफॉर्म से, ये डेंटेट से, ये वेस्टिजियल से, ये भी वेस्टिजियल से, ये ठीक हो गया। फिर इसकी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, रूबरल मतलब रेड न्यूक्लियस में जाना है इसने कॉन्ट्रालेटरल में, और फिर वहाँ से क्रॉस करके वापस स्पाइनल कॉर्ड में जब जाएगा ना, स्पाइनल कॉर्ड से वापस इप्सिलेटरल आ जाएगा, मतलब सेम साइड पे आ जाएगा। डेंटोथैलेमिक जो है वो डेंटेट न्यूक्लियस से थैलेमस में जाएगा और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में सेम साइड पे आ जाएगा। वेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है हमारे पास वेस्टिबुलर ऑपरेटस के पास जाएगा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के पास, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के पास, और फिर इप्सिलेटरल साइड पे आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जाएगा ये वेस्टिजियल रेटिकुलर वाला, और ये हमारे पास इप्सिलेटरल साइड पे आ जाएगा वापस स्पाइनल कॉर्ड में। सेरिब्रम के क्लिनिकल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास है एक दानिश का निमोनिक, दानिश का निमोनिक क्या है, डी फॉर डिसडियाडिको काइनेसिया, डिसडियाडिको काइनेसिया का मतलब जो हमारे पास अल्टरनेट मूवमेंट है ना, लाइक सुपिनेशन प्रोनेशन हैंड की, वो हम अल्टरनेटिवली और रैपिडली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद है ए, ए से है अटैक्सिया, अटैक्सिया का मतलब ये है कि हमारे पास चलने में मुश्किल होगी। निस्टैग्मस, निस्टैग्मस का मतलब जो हमारे पास आई बॉल है ना, उसकी मूवमेंट जो है वो जर्की और क्विक हो जाएगी, पेंडुलर भी हो सकता है, और हमारे पास जो है पेंडुलर निस्टैग्मस भी हो सकता है और जर्की निस्टैग्मस भी हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास आई, आई का मतलब है इंटेंशन ट्रेमर आएंगे, जब भी कोई काम करने लगेंगे तो हमारे पास ट्रेमर शुरू हो जाएंगे हाथ पैर में। एस फॉर स्लर्ड स्पीच, यहाँ पे स्पीच में प्रॉब्लम आएगी जिसको हम कहते हैं डिसआर्थ्रिया। और हमारे पास एच फॉर हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया मतलब मसल की टोन जो है वो ख़राब हो जाएगी, मसल जो है वो डी टोन हो जाएगी।